प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी नेताजी का जलवा कायम दिखाई दे रहा है। मैनपुरी में सपा ने इतिहास रच दिया। डिंपल यादव ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रुझानों में सपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं रामपुर की विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर चल रही है। रामपुर में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। इसके अलावा खतौली सीट पर भी रामपुर की तरह माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, देखा जाए तो मैनपुरी में डिंपल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जी नंदिनी, मैनपुरी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत जो दर्ज की है और करीब 2 लाख से ज्यादा वोटों से उनकी जीत हुई है। और ये जो ऐतिहासिक जीत है वो इसके पहले मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे थे 1991 से। ये मैनपुरी का जो किला है समाजवादी पार्टी का किला और गढ़ माना जा रहा था, जहाँ पे कोई भी पार्टी भेद नहीं पा रही थी। इस बार भी वही चीज हुई। समाजवादी पार्टी का जो गढ़ था उसे भेदने में भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही और काफी बड़ी जीत है, काफी ऐतिहासिक जीत है ये समाजवादी पार्टी के लिए, डिंपल यादव के लिए, क्योंकि इतने वोटों से यहाँ तक अभी मुलायम सिंह यादव जी भी जीत नहीं रख पाए थे। नंदनी, जिस तरीके से शिवपाल यादव ने अपना समर्थन दिखाया और ये खबर आ रही है कि शिवपाल यादव अब सपा में विलय हो चुके हैं, प्रसपा जो है सपा में विलय हो चुके हैं, विवेक ये बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी और प्रसपा का जो है विलय हो चुका है। शिवपाल यादव ने अपनी गाड़ी से प्रसपा का झंडा हटा के समाजवादी पार्टी का जो है झंडा लगा दिया है। अब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के झंडे तले कार्य करेंगे। ये जो विलय है इसको प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ा जरिया माना जा सकता है। प्रदेश की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी की राजनीति के लिए एक मुख्य आधार माना जा सकता है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे और सदन में मुख्य विपक्षी नेता के तौर पे शिवपाल यादव का नाम आगे आए, शिवपाल यादव मुख्य विपक्षी नेता सदन में बने। इसके अलावा ये जो विलय हुआ है आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी काफी जो है वो कारगर साबित होने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए। आप सपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं, किस तरह का माहौल दिख रहा है विवेक वहां पर? देखिए, यहाँ सपा कार्यालय के बाहर जो है काफी उत्साह भरा माहौल है। कार्यकर्ता काफी खुश है। सपा के जो बड़े नेता है, जो प्रवक्ता है, वो काफी खुश लग रहे थे। हमसे बातचीत उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, कार्यकर्ताओं पर बर्बरता हुई, वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, इसके बावजूद जो बढ़त समाजवादी पार्टी ने बनाई, जो जीत वहां से दर्ज की, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता यहाँ पे खुशी से झूम रहे थे, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो समाजवादी पार्टी कार्यालय का जो माहौल है काफी खुशनुमा उत्साहवर्धक माहौल रहा है। जी, बात करें खतौली और रामपुर सीट की तो देखा जाए बीजेपी और सपा में और आरएलडी में कांटे की टक्कर दिख रही है वहां पर। जी, रामपुर से अभी आकाश सक्सेना 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि खतौली में अभी काफी कांटे की टक्कर दिख रही है। अभी भी मतगणना में समय है क्योंकि लोकसभा उपचुनाव के नतीजे तो लगभग तय ही हो गए हैं। डिंपल यादव वहां से भारी मतों से जीत चुकी है। थोड़ी देर में खतौली और रामपुर के रुझान भी स्पष्ट हो जाएंगे किसकी जीत हुई है। अभी आकाश सक्सेना वहां से लगभग 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और जो सपा का गठबंधन है वहां से मुजफ्फरपुर खतौली से, वहां से देखने वाली बात होगी कि वोट जो है किस करवट बैठता है। देखा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से शिवपाल का भी आना हुआ है, तो क्या बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आगे के लिए खतरा या संकट दे सकता है ये? जी कह सकते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव की बहुत बड़ी भूमिका रही है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में। जिस विधानसभा से वो चुन के आते हैं, जहाँ से वो विधायक है, वहाँ ही 1 लाख से ज्यादा वोटों से डिंपल यादव बढ़त बनाई हुई थी और 1 लाख से ज्यादा वोटों से डिंपल बढ़ाई हुई थी। जो शिवपाल यादव ने अपील जो की थी अपने लोगों से, अपनी सीट के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से अपने प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए, वो कारगर साबित हुई है। और शिवपाल यादव की बहुत बड़ी भूमिका इस लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को जिताने में रही है। तो निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की संदेश भी है और समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छा रुख है। नंदनी, विवेक, क्या वहाँ पे सपा कार्यकर्ताओं से कुछ बातचीत हो सकती है? जी, हमारे यहाँ हमारे पास यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे सबकी जो है फोटो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, डिंपल यादव की फोटो लेके यहाँ पे मौजूद हैं, खुशी का उत्साह कर रहे हैं। कितनी बड़ी जीत है ये? बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत। भारतीय जनता पार्टी की करारी हार,
और 24 में जीत दोहराएगी जनता पूरे प्रदेश, जैसे मैनपुरी, रामपुर में तो वोट ही नहीं डालने दिया प्रशासन ने, और खतौली की जनता ने जो जिस तरीके से वोट दिया वैसे ही पूरा प्रदेश देने के लिए व्याकुल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी को। ये बताइए, जैसे सपा और प्रसपा का विलय हो गया है, शिवपाल यादव अब समाजवादी पार्टी में फिर से आ गए हैं, तो कितनी बड़ी भूमिका रही इस चुनाव में? रिजल्ट आपको दिख रहा है मैनपुरी का, 2 लाख ज्यादा वोटों से हम लोग बढ़त में है, तो ये उसी का नतीजा है। और हम कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए इससे बड़ा दिन कोई और नहीं हो सकता है। आगे जो भी चुनाव है, नगर पालिका का है, चंदौली का है, जो भी है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकाय, सब हम लोग जीतेंगे। चाहे 2024 का हो, 307 मोदी जी ने ट्वीट किए थे कल सुबह, ये चुनाव जो है अभी तय करेंगे 24 का, उनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ेगा। अभी तय हो गया 24 का, 24 समाजवादी पार्टी जीत रही है, शिवपाल जी जीत रहे हैं, अखिलेश जी जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी की विचारधारा जीत रही है। क्या माहौल है कार्यकर्ता में ये जो मैनपुरी का चुनाव डिंपल यादव जीती है? देखिए कार्यकर्ताओं में तो उत्साह का माहौल है, और जितना मैं प्रेरित हुआ इसमें जो डिंपल यादव चुनाव अभी चुनाव जीती है ये मैनपुरी की जनता, और मैनपुरी की जनता ने माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में इतना मत दिया, ठीक है चुनाव। और तो मैनपुरी में शासन प्रशासन आप देख रहे होंगे लगा हुआ था कि कार्यकर्ताओं को दबाना, उनको मुकदमे करना, उनको बंद करना, वहाँ पे जाने से रोकना, वोटर को रोकना, ये सब होने के बावजूद डिंपल यादव जी ने इतने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की। कितनी बड़ी जीत है मैनपुरी की जीत? आपके चैनल के माध्यम से मैं वहाँ की मैनपुरी की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और देश की जनता को। इस सीट पर पूरे देश की निगाहें थी, जितने भी दल थे सबकी निगाहें थी, और वहाँ की जनता ने नेताजी को आशीर्वाद और श्रद्धांजलि के तौर से नेताजी को वोट दिया। मैं वहाँ की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और माननीय अखिलेश जी को, माननीय शिवपाल जी को, और माननीय अजित जी को, और माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले 2024 के चुनाव में ऐसे ही सफलता समाजवादी पार्टी को मिलेगी, और देश की दिशा और दशा तय करेगी। कितना उत्साह का माहौल है कार्यकर्ताओं में मैनपुरी की जीत के बाद? कार्यकर्ताओं में तो बहुत खुशी की लहर है, और सबसे पहले मैं आपके चैनल से आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मुझसे सवाल किया। मैनपुरी की जनता, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी मजहब के लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया, और बीजेपी के उप मुख्यमंत्रियों ने वहां जाकर के हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से वहां अपना पूरा ब्यौरा छोड़ा। मगर उत्तर प्रदेश में जनता चाह रही है कि अगर कोई बीजेपी को गिरा सकता है, हरा सकता है, तो वो आपकी पार्टी, हम सबके महबूब नेता, विकास पुरुष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही हरा सकते हैं। और जो अभी इलेक्शन विधानसभा का हुआ है, देखिए जनता ने मुझे भरपूर मेरी झोलियों में वोट डाले हैं, मगर सवाल वही उठ रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि हमको चुनाव आयोग ने हराया है। रहा दूसरी चीज, ये जो डिंपल जी जीती हैं, इस जीत ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार को बता दिया कि 24 में तुम्हारा पूरा पत्ता साफ होने वाला है। जनता विकास चाहती है, जनता रोजगार चाहती है, जनता गरीबी से हटना चाहती है, लोग विकास चाहते हैं, लोग नौकरियों की तरफ जाना चाहते हैं, और बीजेपी की रणनीति तो आप जानते हैं कि झूठ फंसाओ, आप उसमें लड़ाओ, आप उसमें इख्तलाफ करो और राज करो। मगर जनता जान रही है ये प्रदेश विकास से चल सकता है, ये प्रदेश सभी तरक्की, सभी खुशहाली की तरफ जा सकता है, जब हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में सारे धर्म, सारे मजहब के लोग एक रहेंगे। उत्तर प्रदेश हमारा 2012 से 17 तक, देखा है आपने आगरा एक्सप्रेस वे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कितना, शिवपाल यादव की कितनी बड़ी भूमिका रही मैनपुरी उपचुनाव में? देखिए शिवपाल यादव जी को मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ, और शिवपाल यादव जी बहुत मेहनती और बहुत कार्यकर्ताओं के चाहने वाले हैं। शिवपाल यादव जी जमीनी नेता हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को विलय किया समाजवादी पार्टी से, उनको मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से और उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेताओं की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और बहुत दिल लगी के साथ और दिल लगन के साथ काम किया है, और आज माननीय डिंपल यादव जी का विजय हुआ, उनको मुबारकबाद। तो इस तरह से नंदनी आप देख सकती हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो
काफी उत्साह में दिख रहे हैं, काफी उत्साह में दिख रहे हैं, खुशी मनाते दिख रहे हैं। और जो प्रसपा का सपा में विलय हुआ है उसके लिए शिवपाल यादव को हार्दिक बधाई और अभिनंदन भी करते हैं, और ताकि 2024 का जो ये लोकसभा उपचुनाव है उसके लिए उसके लिए वो रणनीति आगे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।